हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी आज की वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं महिंद्रा विरेटो की इंजन की टाइमिंग करना सीखें। दोस्तों जो विरेटो में इंजन होता है वो निसान रेनॉल्ट का होता है, जो कि बड़े बहुत ही आसान है टाइमिंग करना। दोस्तों सबसे पहले हमें केम सावट लॉक करनी होती है। दोस्तों केम सावट लॉक करने के लिए हमें 10 नंबर का बोल्ट चाहिए, जो कि माउंट में निकलता है। उसकी चूड़ी 12 नंबर की होती है। दोस्तों हमने एक यहाँ से लॉक करते हैं वो हाई प्रेशर पंप को। एक बिंदु होता है जो कि पिच पत्ती लगी होती है 12 नंबर के बोल्ट में, उससे मैच करना होता है ये वाली। तो दोस्तों नीचे से हम क्रैंक को करेंगे लॉक। दोस्तों क्रैंक को लॉक करने का तरीका है एक वैसे नॉर्मल तरीका है। तो इसकी डावल सबसे ऊपर आनी चाहिए, ऊपर की ओर बिल्कुल सीधी। दोस्तों हमने ऐसे निशान लगा सकते हैं, क्योंकि हमें बेल्ट चेंज करनी होती है टाइमिंग। बेल्ट चेंज करने के लिए ऐसे निशान लगा सकते हैं लॉक करने की ज़्यादा। जब आपको लॉक ही करना है तो दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि लॉक कहाँ से होता है। दोस्तों हम क्रैंक लॉक वहाँ से कर सकते हैं, जो सेल्फ होता है उसके नीचे एक बोल्ट होता है, वहाँ से उसको खोल के एलकी की सहायता से हम उसको लॉक कर सकते हैं, यदि आप लॉक करना चाहते हैं तो। दोस्तों हमारी 3 टाइमिंग होती है, क्रैंक्स, गेम और हाई प्रेशर पंप की। दोस्तों एक ही बोल्ट से ये हो गया हमारा गेम, हाई प्रेशर और नीचे क्रैंक की डाउन सीधी आनी चाहिए ऊपर की साइड। यदि दोस्तों आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना और शेयर करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना।